हेलो ट्रेनर्स एंड स्वागत है आप सबका एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन यूनाइट वीडियो में। एंड गाइस आज का वीडियो होने वाला है भाई चारिज़ार्ड के ऊपर, जो कि वन ऑफ दी ओजी पोकेमॉन रह चुका है। एंड भाई इसको करंटली बहुत, मतलब इसको नहीं नर्फ किया बट मसल बैंड बहुत गंदा नर्फ हो चुका है। आई मीन अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा तो पता लगा होगा तुम्हें कि भाई पहले वो इसका जो इंटरनल कूलडाउन था वो बहुत ही मतलब कम था, एंड ये दो बार हिट करता था एंड ज़्यादा डैमेज देता था। सो चारिज़ार्ड एक तरीके से उसके हिट एरिया में आ चुका है मसल बैंड के नर्फ में, बिकॉज मोस्ट यूज इस पे मसल बैंड ही रहता था बिकॉज इसका यूनाइट मूव एंड एवरीथिंग वॉज बेस्ड ऑन इट्स बेसिक अटैक्स। एंड भाई बेसिक अटैक्स ज़्यादा डैमेज देते हैं एंड उनका जो कूल डाउन था बहुत कम था रहता था, जो मसल बैंड का इंटरनल कूल डाउन था बेसिकली, ठीक है। एंड अब भाई वो हट चुका है, जो कि पहले ये दो बार हटता था, अब ये एक बार ही होगा सिर्फ। तो इसको बेसिकली बहुत गंदा ये नर्फ हो चुका है। सो मसल बैंड को हटा दो एंड द न्यू बिल्ड अब तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस बिल्ड की बात करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस इसमें जो मैंने हेड आइटम्स लगाए यार वो अटैक वेट, वीकनेस पॉलिसी एंड स्कोप लेंथ से, जो कि आई थिंक इस पे परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं। पहले बंदे अटैक वेट बहुत कम चलाते थे चारिज़ार्ड पे, बिकॉज बंदे कहते थे यार चारिज़ार्ड एक ऐसा पोकेमॉन है जो बिना स्टैक के भी बहुत गंदा मारता है, राइट। बट अब ये स्टैक के साथ भी और गंदा मार रहा है, ठीक है। हालांकि इसको मसल बैंड के साथ नर्फ किया है बट ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई बहुत अच्छा मार रहे हैं। लाइक करंट मेटा में बहुत अच्छा चल रहा है, अगर तुम ये करंट मैच देखोगे एंड तक तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। एंड भाई यहाँ पे एजमेरल को चार था थोड़ा में। एंड जो एम्बलम्स रहने वाले हैं वो 6 white 6 ब्राउन है, जो कि मोस्टली फोकस करेंगे अटैक एंड एचपी पे, ठीक है। बैटल आइटम रह जाएगा इजेक्ट, तुम चाहे तो एक्स अटैक भी यूज़ कर सकते हो, एक्स स्पीड भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। एंड जो इसमें मूवसेट यूज़ करने वाला हूँ वो रहने वाले हैं फ्लेम थ्रोअर, साथ में तुम्हारा फायर ब्लास्ट, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट एंड ओजीज रह चुका है। यहाँ पे इग्लिसन 1 HP बचा भाई। एंड भाई अजमेरल बजोल भाई वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट चल रहे हैं पूरा थ्रू आउट द गेम, भाई डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये बंदे। अगर तुमने देखा होगा भी करंट मेटा में बहुत गंदा मार रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है। लेकिन हालांकि बट मेरे को ना ऑनेस्टली स्पीकिंग चारिज़ार्ड से खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है भाई। एंड अब मैं तुम लोगों को बेसिकली बता देता हूँ कि तुम लोगों को चारिज़ार्ड से कैसे खेलना है। बट भाई मैंने ना एक तरीके से तुमको प्रोबेबली बेस्ट बिल्ड दिया है, तुम चार्जिंग चार्म भी यूज़ कर सकते हो इस पर, नो डाउट अबाउट इट। भाई चार्जिंग चार्म भी वन ऑफ दी बेस्ट है। सो अब चलते हैं इसके मूवसेट। बेसिकली मूवसेट क्या करते हैं इसके, फ्लेम थ्रोअर जब तुम किसी पे मारते हो तो उसको बर्न होता है एंड साथ में तुम्हें मूवमेंट स्पीड मिल जाती है, जिससे कि तुम एटलीस्ट अपना बेसिक अटैक मारते मारते भाग सकते हो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहता है बिकॉज थोड़ा सा पैसिव खेलना रहता है तुम्हें। इसमें तुम फिजिकल अटैक्स पे बेस्ड नहीं हो, मतलब बेसिकली तुमको अपने बेसिक अटैक्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, उसी के थ्रू तुम्हारा जो है सारा डैमेज एंड एवरीथिंग निकलता है। एंड फायर ब्लास्ट बेसिकली एक गोला बना देता है, एक एरिया ऑफ इफेक्ट जहाँ पे अगर उसके अंदर रहेगा एनिमी तो उसका जो मूवमेंट स्पीड है वो स्लो हो जाएगा एंड साथ में उसको बर्न होता रहेगा, साथ में डैमेज पड़ता रहेगा। एडिशनल डैमेज तब पड़ता है जब तुम फ्लेम थ्रोअर के साथ बेसिक अटैक मारते रहो, ठीक है। एंड साथ में एंड लास्ट थिंग इज कि भाई जब तुम इसका यूनाइट करते हो, भाई वन ऑफ द बेस्ट है इसका यूनाइट, बिकॉज अगर तुमने नोटिस किया होगा तो यूनाइट मूव में ये भाई ऑन सबको उड़ा देता है और अभी भी ये चल रहा है अगर तुमने नोटिस किया होगा तो। एंड भाई मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें तुम्हें ना मतलब भाई पूरा पैसिव खेलना होता है चार्जार्ड के साथ, तुम्हें सिर्फ एग्रेसिव तभी होना है जब तुम्हारे पास यूनाइट हो। सो मैं प्रेफर करूँगा भाई जब तुम्हारे पास यूनाइट हो तभी पूरा एग्रेसिव खेलो, बिकॉज इसके यूनाइट में क्या होता है तुम लोगों को यूनाइट भी पूरा यूनाइट मूव इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली उठा के पटक देता है एनिमीज को एंड जब तुम उनको बेसिक अटैक से अपने फुल डैमेज दे रहे होते हो ना तो इसको हील मिलता है। सो जितना तुम एक्स्ट्रा डैमेज दोगे उन्हें, जितना डैमेज उनको पड़ता रहेगा उतना ही ज़्यादा इसको हील मिलेगा। एंड जब ये हवा में उछाल के मारता है ना, मतलब बेसिकली यूनाइट मूव में बहुत ही लाइक ज़्यादा डैमेज पड़ता है उसका, तो उसी की वजह से तुम इजीली भाई बहुत सारे टेकडाउंस निकाल सकते हो इजीली। एंड भाई ऑब्जेक्टिव फाइट्स में बहुत काम आता है इसका यूनाइट, एंड तुम लोग भाई इसका यूनाइट मूव भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत जल्दी तो आता ही है, हालांकि डिपेंड करता है कि तुम फार्म कैसे करते हो। और ये भाई स्क्विशी पोकेमॉन्स को तो ऐसे ही ले जाता है, तुम देख सकते हो यहाँ पर कितने आराम से भाई दोनों को ले गया मैं। हालांकि बजवोल भाई सबसे अनोइंग पोकेमॉन चल रहा है अभी, पिछले मेटा में भी था अभी भी है, बट दिस मेटा इज़ करंटली फोकस्ड ऑन भाई म्यूटू वगैरह जेसियन उन सब पे। भाई यहाँ पे बेकार का एजेक्ट करा था मैंने, मेरे को भी पता है, जो कि यूजलेस था बिकॉज ग्लेशियन का भाई फुल गारंटेड हिट रहता है तो वो ऑफकोर्स चेज करके मारता है पूरा। एंड भाई मतलब अभी का ना बढ़िया मैच गया था ये, बिकॉज इसमें ना भाई सामने वाले मतलब इतने खास नहीं थे, ठीक ठाक ही थे, बट भाई चारिज़ार्ड का मेरे को थोड़ा बहुत मेरे को वो दिख गया ना कि एटलीस्ट ये वाला बिल्ड चल रहा है। मैं बिकॉज ट्राई कर रहा था बहुत सारे, तो मैं कह यार ये वाला ट्राई कर लेते हैं, डिपेंड करता है कि भाई कैसा वर्क करेगा तो वही यूज़ करेंगे आगे, है ना। एंड अभी करंटली भाई वन ऑफ दी बेस्ट चल रहा है। यहाँ पे ये भाई इसकी पैसिव एबिलिटी आ गई थी ग्लेशियन की, वरना गया था ये फिर भी गया देखा।
ये एजी स्लैश भी जाता, लेकिन भाई ये निंजा ना जो किल चोरी किया है भाई, इसको तो माफ़ नहीं करूँगा भाई। ग्लेजियन का भी ले गया, एजी स्लैश का भी ले गया, मेरे को किल नहीं मिला है। रामी मेरे पे 50 भी थे, वो भी नहीं डालने दिया पागल ने भाई, क्या बोलूँ इसको मैं। बट कोई नहीं, ठीक है, जैसा करा करा। एंड इसमें तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट, मतलब मैं हर एक ऑब्जेक्टिव पे प्रायोरिटाइज़ कर रहा हूँ अपने आप को, एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने आप को बैलेंस आउट कर रहा हूँ बाय गोइंग टू थ्रू द टॉप लेन एंड बॉटम लेन। बिकॉज जब इन्होंने सारा टॉप लेन छोड़ दिया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, तब मैं टॉप लेन गया था, बिकॉज मेरे को पता था सारी फाइट नीचे होनी है, सो मैं वहाँ पे स्कोर कर सकता हूँ, वहाँ पे मेरे पे चांस मिलेगा। अगर कोई किल मिल गया तो ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा एंड यूनाइट मूव आ जाएगा, जो कि मेरे लिए ही एडवांटेज रहेगा। यहाँ पे एम करना था थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिया से उठा लेता हूँ मैं इजीली अकेला। देख सकते हो भाई, अगर मसल बैंड पहले वाला होता ना भाई, कितनी जल्दी उठा लेता, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। बट अभी वाला भाई कसम से चांस ही नहीं है, बट अटैक भी डन उसके थ्रू एटलीस्ट मिल रहा है थोड़ा। एंड स्कोप लेंस भाई क्रिटिकल हिट प्रोवाइड करता है एंड अटैक इंक्रीज करता है, तो इसलिए मैंने लगा रखा है, ताकि क्रिटिकल हिट्स इसके जो बेसिक अटैक के थ्रू मिलते रहते हैं वो मिलते रहे, एटलीस्ट उससे एक्स्ट्रा डैमेज पड़ता है एनिमीज को। तो क्रिटिकल हिट्स के बेस पे तुम इजीली टेक डाउन भी निकाल सकते हो। यहाँ पे एज स्लैश भाई पूरा यूनाइट मूव चला है साला, कि भाई इसको तो टेक डाउन करके रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई मैं इजीली सारा फार्म वार्म कर रहा हूँ, बिकॉज जितना तुम्हारा ज़्यादा लेवल होगा चार्जार्ड का, उतना तुम्हारा लास्ट में शाइनी रिकॉर्ड पे फाइट पे बहुत एडवांटेज रहेगा तुम पे। बिकॉज जब तुम यूनाइट करोगे ना, तुम्हारे पे ऑलरेडी क्या कहते हैं, तुम्हारा जो डैमेज होगा वो इंक्रीज होगा, एंड फिर उसके बाद जो तुम्हारा यूनाइट का जो टाइमिंग है वो थोड़ा शायद रहता है, ऐसा अच्छा खासा ही रहता है, तो उसमें तुम इजीली जो टीम फाइट्स है वो इजीली जीत सकते हो। बट डिपेंड करता है अगर कि सारा जो एनिमी टीम है वो तुम पे कॉन्टीन्यूस एक साथ डैमेज दे, सो यू माइट डाई अगर तुम्हारा टीम तुमको सपोर्ट ना करे। जैसे इसमें थोड़ा बहुत तो उन सामने वाले की टीम का ना कॉम्स कुछ नहीं चल रहा था, तुम देखो अगर ढंग से तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत इधर ना ऐसा था कि बिना कम्युनिकेशन के भी सही सपोर्ट मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि भाई इधर उधर हो रहे हैं या मतलब अकेले ही फाइट ले रहे हैं पूरी। मैं ना तुम देख रहे होगे कि भाई यूनाइट मूव में तभी चला रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कि या तो भाई अकेले पता है मैं ले सकता हूँ, या फिर पूरा टीम फाइट में चला रहा था। मेरे को था सारे बैठे होंगे इधर, बट सोलर और ग्लेशियन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस टू टेक डाउन, बिकॉज भाई वो उन पर सिक्योर है, इसलिए मैंने यहाँ पर जोरॉग पर अल्ट किया था। एंड यहाँ पर मेरे को एजी स्लैश भी दिख जाता है, मैं कहा भाई ये सिक्योर कर लेगा, इसलिए मैं इसका ध्यान भटका रहा था, बेट बन रहा था, बट साला हुआ नहीं इधर। बट फिर भी हमारी टीम ने ले लिया रेकवाजा। आई नो होने वाला है कि भाई रेकवाजा छोड़ के तू एनिमीज को ही क्यों मारता है, बिकॉज भाई मैं बेट बनता हूँ, ठीक है, मेरे को पता है अगर मेरे से सिक्योर नहीं होने वाला उस टाइम, सो मैं उससे बढ़िया प्रेफर करता हूँ कि बेट बन के एटलीस्ट एनिमी को डिस्ट्रैक्ट कर लूँ, जिससे कि हमारी टीम ले सके। यहाँ पे मेरे 9 किल 6 असिस्ट होते हैं, नॉट बैड आउट से, आई गेस 65 के डैमेज होता है, नॉट बैड आउट से। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डू मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर पोकेमॉन यूनाइट कंटेंट। तब तक के लिए मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, गुड बाय।